अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्कूल रिज़ल्ट की पार्ट नंबर 7 के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है बताऊंगा। फ़र्ज़ करें आपने पूरे 9 क्लास जो है, बोर्ड का जो 9 क्लास है उसमें तकरीबन 50-60 हज़ार स्टूडेंट होते हैं, या आप अपनी क्लास की अपनी स्कूल की आपने रिज़ल्ट तैयार किया हुआ है। अब आप उस किसी भी एक स्टूडेंट जो है उसको ढूंढना चाहते हैं, सिर्फ आपने रो नंबर जो है इसी तरह टाइप करनी है। यहाँ पे मैं एक रो नंबर टाइप करता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने 5 टाइप किया, इंटर किया, तो यहाँ पे इसका नेम आ गया, इसकी मार्क्स आ गई, इसकी डिवीज़न भी आ गई, ग्रेड आ गई, रिज़ल्ट भी आ गई। इसी तरह आप और भी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जस्ट एक ही फार्मूला जो है लगता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये आप लोग कैसे फिट करेंगे, कैसे तैयार करेंगे। तो स्टार्टिंग लेते हैं। सबसे पहले कुछ लोगों को यही मसला होता है कि वो इसी तरह एक टेबल अगर डिज़ाइन उसको एक इसी तरह टेबल जो है ये डिज़ाइन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं एक सेल को सेलेक्ट कर देता हूँ। सेल को सेलेक्ट किया, यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैंने लिखा कि नेम लिख दिया। अब मैं इसी सेल को, मैं चाहता हूँ कि ये सेल जो है ये थोड़ी बड़ी हो, जहाँ यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही है, मैं इस तरह इसको करना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पे ये फिल हैंडल जो है सॉरी यहाँ पे जो माउस है इधर रखना है, और फिर इसको ये दो सेल जो है इसको आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करेंगे इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मार्च सेल, क्या लिखा हुआ है मार्च सेल, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, तो इससे एक ही सेल बन जाएगी। अब यहाँ पे फिल पे आना है, फिल पे आएंगे तो यहाँ पे कलर भी आप दे सकते हैं, डिम कलर हल्का सा थोड़ा कलर रखे, तो वहाँ पे जो लिखाई है जो जो चीज़ लिखा हुआ है वो सही नज़र आएगा। यहाँ पे आप लोग देख लें। इसके अलावा अगर आप इसको जो है बोर्ड मोड़, ये तो बच्चों का काम है, इसको आप बोर्ड करना चाहते हैं, मतलब जो जो कुछ आपने लिखा है, तो कंट्रोल बी जो है उसको प्रेस करें, कंट्रोल बी से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप एक दूसरा सेल सेलेक्ट करें, उसमें पहले आप लोगों ने कुछ लिखना है, उसके बाद दो सेल को मर्ज करना है, मर्ज करेंगे तो इस तरह एक आप टेबल जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो है क्या करेंगे आप लोग, मैं सबसे पहले इन चीज़ों को ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ, लेकिन कुछ कुछ जो है यहाँ पे शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो फार्मूले थे उसको मैंने ख़त्म किया। अब मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करनी है, इज इक्वल टू प्रेस करनी है। इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर आप लोगों ने टाइप करनी है वी लुक अप। इसके बाद ब्रैकेट को आप लोगों ने स्टार्ट करनी है, क्या करनी है, ब्रैकेट को स्टार्ट करनी है। इसके बाद आप लोगों ने इसी सेल जो है, ये सेल जो है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करनी है। इस सेल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने कामा लगानी है, फिर यहाँ पे आप लोगों ने क्या करनी है, उस पूरी जो पूरा पेज है जिसमें डेटा मौजूद है उसी को आप लोगों ने यहाँ पे इंटर करना है। मैन्युअली भी आप इंटर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिखा हुआ है A2, तो 1 कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 यहाँ पे A2 से स्टार्ट हुआ है, और पूरा डेटा कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, पूरा डेटा यहाँ पे ये ओ कॉलम है, ओ कॉलम में 21 तक जो है 21 पे ख़त्म हुआ है। तो आप जो है इसको मैन्युअली भी जो है मैन्युअली भी लिख सकते हैं और इस तरह सेलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैन्युअली जो है वहाँ पे टाइम आप लोगों से नहीं लेगा। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली ये चीज़ यहाँ पे आ गई, क्या आ गई, ये चीज़ यहाँ पे आ गई। इसके बाद आप लोगों ने अगेन जो है कामा को प्रेस करनी है, फिर आप ने देखना है कि नाम जो है वो किस कॉलम में मौजूद है, नाम को आप लोगों ने देखना है कि नाम जो है वो किस कॉलम में मौजूद है। तो आप लोगों ने गिनती करनी है, तो यहाँ पे 1 2
नाम जो है किस कालम में मौजूद है, टू में मौजूद है। तो यहाँ पे हम कालम के बाद फिर जो है कामा लगाते हैं, सॉरी टू प्रेस करते हैं और कामा लगाते हैं। इसके बाद आप लोगों ने टाइप करनी है फॉल्स फॉल्स, इसके बाद आप लोगों ने ब्रैकेट को बंद करनी है और इंटर करनी है। ठीक, अब इसके बाद इस पे आना है, इस पे यही फार्मूला इज इक्वल टू वी लुकअप, इसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करनी है और यहाँ पे इस सेल जो है ये इस सेल का नाम क्या है, B26। तो मैं मैन्युअली टाइप करता हूँ B26, इसके बाद कामा, इसके बाद जो डेटा मौजूद है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है A2 से। फिर इसके बाद वो ये डबल डॉट जो है इसको आप लोगों ने लगानी है। इसके बाद कहाँ पे ख़त्म हो रही है, O21, कहाँ तक, O21 तक है। इसके बाद कामा, फिर आप लोगों ने जो है ये मार्क्स जिस कॉलम में मौजूद है, यहाँ पे जे कॉलम में मार्क्स मौजूद है ऑब्टेन मार्क्स, तो यहाँ पे आप लोगों ने गिनती करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ पे है, 9 में है। तो यहाँ पे हम 9 को प्रेस करते हैं 9, इसके बाद यहाँ पे फिर कामा और लिखते हैं कि फॉल्स, ब्रैकेट को बंद और इंटर। इसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है, इस सेल पे आना है, यहाँ पर भी यही फार्मूला इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद B26, इसके बाद A2 कामा O21 कामा डिवीजन किस कॉलम में मौजूद है, यहाँ तक 9 हो गए, 10 11, तो यहाँ पे हम 11 प्रेस करते हैं 11 कामा फॉल्स, इसके बाद ब्रेकेट बंद और इंटर। अब यहाँ पे ग्रेड पे आते हैं, इज इक्वल टू वी लुक अप ब्रेकेट स्टार्ट B26 कामा A2 कामा डबल डॉट कामा, इसके बाद O21, इसके बाद कामा, इसके बाद ग्रेड किस कॉलम में मौजूद है, ग्रेड हमारे पास मौजूद है यहाँ तक 9 10 11 12, यहाँ पे ये 12 में मौजूद है। इसके बाद कामा फॉल्स ब्रैकेट वन और इंटर। इसके बाद रिजल्ट पे हम आते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट B26 कामा A2 कामा O21 कामा, इसके बाद 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे ये 15 में मौजूद है। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 15, यहाँ पे कामा फॉल्स, इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को बंद और इंटर। अब यहाँ पे हम इंट्री करते हैं, क्या करते हैं, इंट्री करते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 1, तो यहाँ पे आप लोग देख ले 1, जो ही मैंने प्रेस किया तो इस टेबल से, इस डेटा से यहाँ पे जिसने उठा दिया, इसका नाम जैनुल्ला है, इसकी मार्क्स इतनी है, डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न है, ग्रेड ए है और ये पास है, रिज़ल्ट क्या निकला, पास है। अब मैं अब टाइप करता हूँ 15 इंटर, तो इसका नाम यासीन है, मार्क 467, डिवीज़न फर्स्ट, ग्रेड ए पास। इसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 12, तो ये फैज़ान 462 फर्स्ट डिवीज़न ग्रेड ए और पास, यहाँ पे तो सारे पास आ रहे हैं। मैं करता हूँ 20 इंटर, उस्मान 367 फर्स्ट डिवीज़न बी ग्रेड पास। अब यहाँ पे फेल कौन है, फेल मैं चेक करता हूँ
में है, 13। तो इसका नाम रिहान है, 308 मार्क्स है, सेकंड डिवीज़न है, सी ग्रेड है, और यहाँ पे ये फेल है। तो इसी तरह आप किसी भी स्टूडेंट्स को जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, पूरे बोर्ड की रिज़ल्ट आप इसी तरह चेक कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो की कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।